एक 10-12 साल का बच्चा जिसको लगा बिजली का ऐसा झटका कि डॉक्टरों ने काट दिए दोनों हाथ। करना था पेंटिंग लेकिन बिना हाथ के कैसे करे पेंटिंग। भोला ने ठाना बिना हाथ के करेंगे पेंटिंग। आज वो बच्चा भोला पेंटर बन गया। जाने उस बिन हाथ वाले बच्चे की पेंटर बनने की कहानी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। दोस्तों, इंसान का कोई भी अगर बॉडी पार्ट नहीं होता है तो उसको कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर जिनके पास नहीं होता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स के पास हैं, एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास जिनके हाथ नहीं हैं, उनका हाथ कट गया था और फिर भी वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से इस मुश्किल भरे सिचुएशन में भी उस मुश्किलों को मात देकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने हुनर से लोगों का दिल जीत रहे हैं। आज हम हैं भोला मुर्मू के घर पर। भोला मुर्मू से मुलाकात आपकी करवाते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए उनके हुनर को। वो एक दोपहिए वाहन में यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बाइक पर जो है इंडियन पोस्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है और आजकल तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, न्यू मीडिया का ज़माना है, फिर भी अपने हुनर से ये उसे भी मात दे रहे हैं और काफ़ी दक्ष हैं ये पेंटिंग में। जिनके पास हाथ होते हैं वो भी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को साधा है और इनका ये साधना ही कहेंगे इस एक तरह से कि हाथ ना होने के बावजूद भी इतनी अच्छी कलाकारी करते हैं, इतने दक्ष है हुए हैं ये। तो ये सभी के लिए एक मोटिवेशन है और सभी के लिए एक बिल्कुल ही कहा जाए बहुत बड़ा ये मैसेज है कि हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरीके से वो भोला मुर्मू जी जो हैं गाड़ी पर एक लिख रहे थे इंडियन पोस्ट। वहाँ पर लोग तरह तरह के काम लेकर आते हैं, कभी बोर्ड बनवाना हुआ, कभी फ्लेक्स बनवाना हुआ और भी बहुत कुछ। लेकिन अब जो है हम आपको दिखाने वाले हैं कि भोला जी किस तरीके से यहाँ पर एक चित्रकारी कर रहे हैं, एक वहाँ पर फिगर बना रहे हैं, महात्मा गांधी का फ़ोटो बना रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से बिना हाथ के, मतलब बिना हाथ के ना होते हुए भी कितनी अच्छी कलाकारी ये करते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं भोला मुर्मू किस तरीके से यहाँ पर महात्मा गांधी का फ़ोटो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ही ये मार्मिक है और कितना बड़ा संदेश दे रहा है ये पूरे मानव समाज को कि आप घबराएं नहीं। आपके पास अगर कुछ भी चीज़ नहीं है, किसी चीज़ का अभाव है, लेकिन आप अपने मेहनत से, अपनी साधना से और अपने लगन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये एक बड़ा उदाहरण देते हुए भोला मुर्मू। बहुत ही गजब का ये हुनर है इनके पास और इसको उजागर करना हम सभी का काम है। हम चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और आपकी मदद और संवेदना इनको मिले। और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह देख कर कि आप तो देखते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से लोग गुंडागर्दी करते हैं, मारा पीटी करते हैं और तरह तरह के गलत काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन भोला मुर्मू एक मानवता, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से आप परिस्थिति को मात देकर, विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से अपने हुनर के सहारे, अपने कठिन परिश्रम के सहारे, आप मेहनत के सहारे आप किस तरीके से ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि भोला जी की कहानी आप सभी तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ये चीज़ आप देखकर ज़रूर मोटिवेट हो जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जिनके पास हाथ ही नहीं है, लेकिन हाथ वाला काम जो है और वो भी इतना दक्ष काम, मतलब महीन काम जिसे कहते हैं हम अपने बोल चाल के भाषा में कि महीन काम,
जिनके पास हाथ भी होता है वो भी कुछ इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन भोला मुर्मू की कहानी बहुत ही अलग है और बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली ये कहानी है, तो बहुत निखरेगा। हम थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर भोला मुर्मू से करना चाहेंगे। भोला मुर्मू जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप बहुत मोटिवेशन, हम तो तब से बोल रहे हैं आपके बारे में, हम चाहते हैं आपके मुंह से भी थोड़ा सा कुछ सुने और हमारे दर्शक जो है वो आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। भोला जी, जी हाँ, जैसे कि ये हमारा जो है बचपन में हाथ कट गया था, बिजली का शॉट लगा था जी, तो डॉक्टर काट दिया जी, तो इसके बाद हमने पढ़ाई लिखाई इसी तरह पकड़ के जी किया और मैट्रिक करके हम जो है चित्रकारी के में आए। हम देखे एक दूसरे का चित्रकारी करते हुए, तो हम भी प्रयास किया कि हम भी कर सकते हैं कि नहीं। पहले तो हुआ कि हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपना पेंसिल कलम को प्रयासरत रखा जी। तो हमें सफलता मिली कि हम कर सकते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं, फिर इसमें हमको इनकम नहीं के वजह से कभी कभी दूसरा काम में भी इनकम के लिए करना पड़ता है, जैसे माल मवेशी रखना कि दूध से हमको पैसा होगा, तो हम माल मवेशी भी रखा करते हैं। और फिर भी हम अपना पेंटिंग प्रयास, जैसे लिखावट हुआ, मतलब इनको आप इस चीज़ को छोड़े नहीं, बिल्कुल छोड़े नहीं जी, और भी कुछ करते थे ज़्यादा आमदनी के लिए, लेकिन मेन आपका यही काम रहा। तो बोर्ड वगैरह, साइन बोर्ड जी वगैरह हम लिखने के लिए मिलता था, तो हम उसको भी करते थे और पेंटिंग भी हम जारी रखे। अभी तो हम कलर पेंटिंग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मेरे पास है नहीं जी, लेकिन ये स्केच, स्केच के माध्यम से आपको बता दूँ कि हम इससे जुड़े हुए हैं। और मेरा तो अब उम्र ज़्यादा हो गया, तो हम चाहते हैं कि युवा लोग जी जो कि हमारे कला को देख के सीखे और इससे अपना कला निखारे। भोला जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में, कि कितने लोग हैं आपके परिवार में? हाँ, मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं जी, पति पत्नी हैं, चार बच्चे, चार बच्चे, 2 लड़का है, 2 लड़की है जी। वो लोग अभी पढ़ाई करते हैं जी, पढ़ा रहे हैं आप उनको? जी हाँ जी, उन लोग का पढ़ाई अभी जारी है, कोई इंटर में है, कोई मैट्रिक में है, कोई एट क्लास में है, इस तरह से जो है अभी लोग पढ़ाई करते हैं। और साथ में मेरा भी मदद कभी कभी कर दिया करते जी, हैं जी, बहुत मदद करते हैं आपकी। पेंटिंग के मामले में ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, तो हमको सहयोग करते हैं जी। और आपकी पत्नी, वो आपको कितना सपोर्ट करती हैं? क्योंकि एक तो आपके पास हाथ नहीं था, फिर भी उन्होंने शादी की आपसे, और फिर आपका जो है अभी अभी तक साथ दे रही हैं, आपके साथ हैं, खड़ी हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहेंगे, उनके लिए कुछ मैसेज? वो भी मेरे साथ हमेशा जी, जब से साथ में है, हमको मदद क्या करते हैं, जैसे यही सब हुआ, पकड़ना हुआ, कोई चीज़ उठा के लाना हुआ, तो हमको मदद करते हैं। और जी भोला जी, एक और चीज़, एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि कितना दिक्कत हुआ आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत तो बहुत सारी हुए, बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, लेकिन इस हाथ के ना होने के बावजूद, मतलब ना होने से कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ? शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा कि करेंगे क्या आखिर? हाँ, पहले तो हम सोचे कि हम अब क्या करेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा हमसे जी, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते कुछ भी जो है कहता है कि आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है, जैसा जैसा हमको आवश्यकता पड़ा उस तरह से हमको जो है अपना जुगाड़ का सही समय पर उपयोग कर पा रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई कितना? मैट्रिक तक हम मैट्रिक तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद हम उसकी पेंटिंग लाए। तो मैट्रिक से पहले आपका हाथ कट गया था या मैट्रिक के बाद? पहले ही? हाँ, मैट्रिक से पहले। तो आप लिखे होंगे फिर उसी तरीके से? जी हाँ, इसी तरह दोनों हाथ से हम लिखे। हमको यदि इसी तरह चित्रकारी में सहयोग, यदि सपोर्ट मिलता रहेगा, तो हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं और लोगों को संदेश दे सकते हैं कि विकलांग होते हुए भी हौसला यदि रखे तो कुछ कर सकते हैं, लोगों को
या मार्गदर्शक बन सकते हैं। जी, आपने सुना भोला जी की कहानी, वो किसी मोटिवेशन या एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक दोनों हाथ के ना होते हुए सबसे पहले तो इन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर पेपर लिखा और उसके बाद सोचा कि किस तरीके से किया जाए काम। चूँकि इनको पेंटिंग में इंटरेस्ट था, इनको कलाकारी में इंटरेस्ट था, तो इन्होंने कलाकारी को ही अपना पैशन, को ही अपना प्रोफेशन बनाया। दोस्तों, अब मुझे यानी दिव्यांशु को दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी और न्यूज़ और जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहारी न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा भोला मुर्मू के हौसले की कहानी। आपको बता दें, भोला मुर्मू के घर में कुल 6 लोग हैं। भोला मुर्मू, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां। पेंटिंग के अलावे भोला परिवार के पालन पोषण के लिए और भी काम करते हैं, जैसे खेती, मवेशी पालन आदि। इन सब में भोला को उनके परिवार का पूरा साथ मिला है। भोला के भोला मुर्मू पेंटर बनने में इनके परिवार का बड़ा हाथ है। आपको कैसी लगी भोला मुर्मू की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर भोला की कुछ मदद करना चाहते हैं तो उनको आप इस अकाउंट नंबर पर अपनी इच्छा और स्वेच्छा से जो कुछ भी हो मदद कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स हैं, नाम भोला मुर्मू, पिता का नाम मंगल मुर्मू, खाता संख्या 10809410003008403, IFSC कोड CBIN OR 10001, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्रीनगर ब्रांच। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।